हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट और मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे अमेजोन पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसमें इनसाइड एज सीजन 2। लेकिन सीजन 2 से पहले हम लोग बात करेंगे सीजन 1 की, कि सीजन 1 में हमें क्या कुछ देखने को मिला था और क्यों हम ये सीजन 2 देखे, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और सीजन 2 देखकर मुझे पर्सनली क्या फील हुआ, क्या सीजन 2 सीजन 1 से बेटर है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप जरूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट करें सब्सक्राइब और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। और हाँ, इस वीडियो की लिंक को ज्यादा शेयर करना। और तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हमारा आज का वीडियो इनसाइड एज सीजन 1। मैं आपको कहानी से पहले एक इंसान के बारे में बताता हूँ जिसका नाम था कैरी पैकर। 1977 में कैरी पैकर ही थे खिलाड़ियों को मुंह मांगी पैसों में खरीदना और उन्हें मैच में अपने हिसाब से खिलवाना शुरू किया था। दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड घबरा उठे थे, बहुत मुश्किल से सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया था, बट उस वक्त से ही खेल शुरू हो गया था। अब मैं आपको सीजन 1 की कहानी बताता हूँ। इस सीरीज में आपको 10 एपिसोड्स देखने को मिले थे। हर एपिसोड की लेंथ करीब 45 मिनट्स की थी। इस सीरीज में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल जैसे एक प्रीमियर लीग बताई गई थी जिसे कहते हैं पावर प्ले लीग यानी पीपीएल। मुंबई मैवरिक नाम की एक टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। इस कहानी में मेन मुंबई मैवरिक टीम ही है। इस टीम का एक ओनर इस टीम को छोड़ देता है, तब इस टीम की को ओनर जरीना परेशान हो जाती है। जरीना का रोल प्ले किया था ऋचा चड्ढा ने, तभी एंट्री होती है विक्रांत धवन यानी विवेक ओबरॉय की। वो मुंबई टीम से जुड़ जाते हैं लेकिन विक्रांत के इरादे ठीक नहीं होते, वो अपने तरीके से टीम चलाना चाहता है। मुंबई के टीम का स्टार बैट्समैन होता है वीयू राघवन जिसका रोल प्ले किया है तनुज विरमानी ने, और इस टीम का कैप्टन है अरविंद जिसका रोल प्ले किया था अंगद बेदी ने, और टीम की कोच की भूमिका में नजर आए थे संजय सूरी। इस टीम के जरिए इस वेब सीरीज में बताया गया है कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक बिजनेस हो गया है पैसे कमाने का। इसमें सेक्स, पैसा और पावर किस तरह से क्रिकेट को बदल दिया है ये बताया है। इस वेब सीरीज में क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ ऐसा बताया था जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ड्रेसिंग रूम के अंदर की हलचल, टीम मीटिंग्स, खिलाड़ियों का ड्रग्स लेना, चीयरलीडर से संबंध, स्टार क्रिकेटर्स के एटीट्यूड, बहुत कुछ इस वेब सीरीज में देखने मिला था। और ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने कि हर एपिसोड देखकर शॉक्ड हो जाओगे और नेक्स्ट एपिसोड देखने का मन होगा। परफॉर्मेंस वैसे सभी का अच्छा था बट मुझे पर्सनली ऋचा चड्ढा, विवेक ओबरॉय और अंगद बेदी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा था। इस सीजन 1 ने पीछे कई सवाल छोड़ गए थे जैसे कि कोच संजय सूरी की हत्यारों को सजा कब मिलेगी, विक्रांत धवन को धोखा क्यों मिला, प्रशांत कनौजिया के हाथ हुआ खून, ऐसे सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे सीजन 2 में। सीजन 1 एक हिट था, उसी की वजह से सीजन 2 मेकर्स ने बनाया। सीजन 1 की तारीफ जितनी करें उतनी कम है क्योंकि उसकी जो स्टोरी लाइन थी काफ़ी ग्रिपिंग थी और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले थे, और एक थ्रिलर वेब सीरीज होने के नाते जो एक फील होता है वो हमें सीजन 1 में देखने को मिला था। सीजन 1 मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अब हम बात करेंगे सीजन 2 के बारे में। इस सीजन में भी 10 एपिसोड है, कहानी कंटिन्यूशन है सीजन 1 की। इसमें खेल अब और गंदा हो गया है, कुछ नए चेहरे यहाँ देखने को मिले। पहले सीजन में जो सस्पेंस था यहाँ पर बहुत ही आसानी से खोल दिया, लेकिन ये वेब सीरीज में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ आपको ये वेब सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस सीजन की कहानी को कहीं कहीं पर आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में हुई घटनाओं से जोड़ा गया है जो कि ब्रिलियंट मैं कहूँगा। जैसे आईपीएल का साउथ अफ्रीका में होना इंडिया के बजाय इलेक्शंस की वजह से, ये सब कुछ हमें सीजन 2 में देखने को मिला और इसके पीछे की वजह भी समझ आई। इस सीजन 2 की कहानी शुरू होती है विक्रांत धवन के भाई साहब आमिर बशीर से। भाई साहब यानी यशवेंद्र पाटिल जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ACB के अध्यक्ष है, इस बार और भी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, चाहे वो प्लेयर्स के ऑक्शन के वक्त पॉलिटिक्स या प्लेयर के डोपिंग्स। और साथ में अरविंद जो इस बार कैप्टन है हरियाणा की टीम के, वो सिर्फ इसीलिए दोबारा लौटे हैं क्योंकि उन्हें उनके दोस्त और कोच संजय सूरी के कातिलों को सजा दिलवानी है। और मुंबई की टीम के कैप्टन है वायु यानी तनुज विरमानी। ऋचा चड्ढा मुंबई मैवरिक्स को पूरी तरह से हैंडल करती नजर आती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट सेकेंड एपिसोड में जब विवेक ओबरॉय की एंट्री होती है, उसके बाद से खेल एक नई तरीके से शुरू होता है और फिर वो अपना बदला लेने की प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। इस खेल में बहुत कुछ देखने को मिला, मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छी वेब सीरीज लगी और मैं तो इसे कहूँगा कि ये एक ब्रेव अटेम्प्ट है राइटर्स के और डायरेक्टर की तरफ से।
तो सीजन वन के कंपेयर में सीजन टू मुझे अच्छा लगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सस्पेंस था, जो थ्रिल था, वो थोड़ा सा इसमें मिसिंग जा रहा था। लेकिन जितने भी एपिसोड थे सीजन टू के, वो एपिसोड आपको बोर नहीं करते, यानी कहीं ना कहीं आपको अगला एपिसोड देखने का जो इंटरेस्ट है वो बिल्ड रहता है। और इसमें भी बहुत ही अलग अलग चीजें और बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने को मिली, तो वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं इतना ही बोला कि सीजन टू मुझे सीजन वन के कंपेयर में ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि सीजन वन अच्छा लगने की जो वजह थी वो ये थी कि हम लोग उस टाइम पे एक फ्रेश चीज देखे थे, हम लोग ये सब चीजों का पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग वापस से दोबारा से वो सारी की सारी चीजें देखी है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ी बहुत डिटेल और बताई गई, लेकिन वो चीजें तो वही है, यानी कि एक साथ देखे तो फ्रेम तो वही है, लेकिन जो फ्रेम के अंदर के जो डिजाइन है वो थोड़े और एड कर दिए गए, तो इस वजह से ये थोड़ा सा उतना इफेक्ट नहीं डालता जितना सीजन वन डाला था। लेकिन फिर भी ये एक वॉचेबल शो है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इसकी ड्यूरेशन लगभग कुछ 7.5 या 7 घंटे 40 मिनट के करीब करीब इसका ड्यूरेशन है, तो आप कहीं से भी इस सीजन टू को लेकर बोर तो फील करते नहीं हो, क्योंकि मैं तो बोर फील हुआ नहीं। मुझे सबका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आमिर बशीर का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, इस भाई साहब। विवेक ओबरा एज यूजुअल अपने रोल में बहुत अच्छे थे। ऋचा चड्ढा का रोल अच्छा था। अंगद बेदी और तनुज विमानी, तो सबका रोल मुझे अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको देखना तो आप ये वेब सीरीज को जरूर देखना, आपको ये अमेजोन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन।